नमस्कार इंडिया, स्वागत है ब्रेकिंग न्यूज प्रयागराज। प्रयागराज गोरपुर थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव का मामला। तीन तलाक बिल पास होने के बाद जहां मुस्लिम महिलाओं के लिए एक सम्मान भरा जीवन व्यतीत करने का सुनहरा अवसर मिला, तो वहीं आज गोरपुर थाना क्षेत्र के बुढ़वा गांव में किसी बात से नाराज होकर पत्नी ने ही अपने शौहर को तीन तलाक देने की ठान ली और मायके से अपने पिता भाई अपनी माँ के साथ अपनी ससुराल बुढ़वा गांव में पहुंच करके ससुराल पक्ष के लोगों के समक्ष तीन तलाक देते हुए नामे पर हस्ताक्षर कर दिए, ससुराल पक्ष को दे दिया। जबकि इस पूरी घटना को देखते हुए नाराज पत्नी का शौहर केवल तमाशबीन बना, पत्नी के द्वारा की जा रही कार्रवाई को केवल मुख्य दर्शक बनकर देखता रहा। शौहर के द्वारा अपनी पत्नी को मनाने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन वह किसी की बात मानने व सुनने के लिए तैयार नहीं हुई और घर में रखे हुए दहेज के सारे सामानों को निकाल करके अपनी लाई हुई गाड़ी में लाद कर चलती बनी। क्या पत्नी के द्वारा आपको तलाक दिया, इसमें क्या है? आपने दिया है, आपकी पत्नी ने तलाक दिया? पत्नी ने दिया है। किन कारणों से? ये अपने खुशी से दे रही हैं और रहना नहीं चाहती। हम तो आज भी रखना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी जब उनके भी जा रही तो हम जो भी नहीं पा रहे। तो क्या उन्होंने जो तलाक दिया है तो उनके घर माँ बाप या उनके परिवार के लोग भी आए हुए हैं या नहीं? यहाँ पर आए हुए हैं। कौन कौन आया है उनके घर? उनके पिता आए हैं, उनकी माँ आई, भाई आए हैं, हमारी घर वाली भी आई है। तो आपकी पत्नी ने स्वेच्छा से आपको तलाक दिया? जी। क्या नाम है आपकी पत्नी का? आलमीन बानी। और आपका? मोहम्मद आजम।